हम भारत के आदिवासी अभी जीत की कगार पर खड़े हैं। जो चीज भारत के 75 वर्षों की आजादी में हमें नहीं मिली, अब हमको मिलेगा, अब हम लेके रहेंगे। उसका पहला कारण है महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये पहला ऐतिहासिक घटना है। भारत देश ने आखिर 75 सालों में पहचान लिया, मान लिया एक आदिवासी महिला को, देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठाया। और ये पद क्या है? इस पद से भारत का संविधान और कानून चलता है। हम लोग उस जगह पर पहुंच गए हैं और अभी तक भारत देश का संविधान और कानून हमारे लिए ठीक से लागू नहीं हो सका। अब इसको हम डंके की चोट पर लागू करेंगे। तो नोआ कना प्रथम कारण अब जीतकर रहा जे बाकी नेता, बाकी पार्टी, बाकी समाज को चेक करना एजेंडा ओना दो अको को बढ़ाया। लेकिन अब आदिवासी को एजेंडा करना जे अब आदिवासी भारत रे नागरिक करना वो भारत रे संविधान अब लगी हो करना और नवा संविधान रे अब भाषा भाषा जाति धर्म इज्जत आबादी रोजगार चासवास और संविधान रे जहां तिना जुड़ू में ना आ ओना न्याम रे अधिकार अब में ना आ और ओना जगह रे द्रौपदी मुर्मू भारत रेनी राष्ट्रपति ते हैं गद्दी रे दुड़ूप ना है। आदो आबो तला रे अडिगन होड़ को गलमराव गया, अरे बेकार राष्ट्रपति में बैठ गया। बेकार नहीं बैठाया है, कोई लोग बेकार सोच के बैठाया होगा, हम लोग बेकार नहीं होने देंगे। और ये जो द्रौपदी मुर्मू का फोटो लेके हम लोग घूमते हैं और नरेंद्र मोदी जी का भी फोटो लेके घूमते हैं, इसके पीछे हमारा मकसद है इस देश में जो भी बड़ा फैसला होगा इन दोनों को करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं? करना होगा। और फैसला संविधान के मुताबिक करना होगा, कानून के मुताबिक करना होगा। और आपको जान के खुशी होना चाहिए कि द्रौपदी मुर्मू जो भारत की राष्ट्रपति हैं, वो हमारे गांव से हैं। हमारा गांव उनका गांव एक है, हम लोग परिवार के संबंधित हैं और इसलिए आप द्रौपदी मुर्मू को छोड़ना नहीं है। इसको आदिवासी का काम करके ही छोड़ेंगे आप लोग। और यही जीत का पहला हमारा सूत्र है, पहला हमारा विश्वास है, पहला हमारा भरोसा है कि देश ने जरूर देरी किया है लेकिन देर आए दुरुस्त आए हम लोग राष्ट्रपति के पद पर बैठ गए। और ये केवल द्रौपदी मुर्मू नहीं बैठा है, हम लोग सब बैठ गया और इसीलिए हमको अभी अधिकार लेना है। सबके मन में ये आत्मविश्वास, उत्साह, प्रेरणा, खुशी होना चाहिए। तो नोआ के कना अबुआ जीत के रो रहा प्रथम कारण। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।